दोस्तों आपके शरीर में जो 7 चक्रास हैं, अगर वो पूरी तरह से एक्टिवेट या फिर बैलेंस हो गए तो आप असाधारण सफलता भी आसानी से प्राप्त कर सकते हो और अपने अंदर छुपी अलौकिक सिद्धियों और शक्तियों को भी बाहर निकाल पाओगे और वो सब कर पाओगे जो आपके लिए सिर्फ एक सपना है। तो ये वीडियो बिल्कुल स्किप ना करना, क्योंकि ये टेक्निक आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल देगी। पहले जानते हैं कि चक्र आखिर होते क्या है। चक्र संस्कृत का शब्द है जिसे व्हील यानी कि पहिया भी कहते हैं। वैसे हमारे शरीर में 109 चक्र होते हैं, जिनमें से 108 भौतिक शरीर यानी कि फिजिकल बॉडी में और एक सूक्ष्म शरीर में होते हैं। लेकिन जो प्रमुख चक्र है वो 7 ही होते हैं। और जब ये चक्र जिसे व्हील ऑफ एनर्जी भी कहते हैं अगर ब्लॉक होती है तो हमारे शरीर पे नेगेटिव इफेक्ट होता है, फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली भी। ब्लॉक चक्र हमें गंभीर शारीरिक बीमारियों और डिप्रेशन या चिंता जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म भी दे सकता है। और अगर हम इस ऊर्जा को ठीक से बैलेंस कर लें तो असाधारण सफलता भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर समय समय पर चक्र वाले स्थान पे ध्यान दिया जाए तो मानसिक स्वास्थ्य और सुदृढ़ता के साथ सिद्धियां भी प्राप्त की जा सकती हैं। तो जानते हैं चक्रों को जागृत करने की विधि और किस चक्र से प्राप्त होती है कौन सी सिद्धियां। पहले बात करते हैं मूलाधार चक्र की यानी रूट चक्रा की। देखो, हमारी सामान्यता सारी ऊर्जा मूलाधार चक्र में ही होती है। मनुष्य तब तक एक पशु के समान माना गया है जब तक वो इस मूलाधार चक्र में ही जी रहा है। लेकिन सांसों के नियंत्रण और ध्यान से इस ऊर्जा को ऊपर खींचा जा सकता है। जैसे जैसे हम ऊर्जा को एक एक चक्र से ऊपर उठाते जाते हैं, हमारे व्यक्तित्व में चमत्कारी परिवर्तन दिखने लगते हैं। ध्यान से प्राण को जो मूलाधार चक्र पे निष्क्रिय पड़ा हुआ है सहस्त्रार चक्र तक प्रेरित कर सकता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी एक पाइपलाइन के रूप में कार्य करती है। जब ऊर्जा का एक छोटा सा भी कण सहस्त्रार चक्र तक पहुंचता है तो हमें आनंद और परमानंद का अनुभव होता है। और अगर आप मूलाधार चक्र यानी कि रूट चक्रा को एक्टिवेट कर लेते हो तो आपका आपके माइंड पे पूरा कंट्रोल होने लगता है। अब आप सोचोगे कि अपने माइंड को कंट्रोल करके क्या कर लेंगे, रूट चक्रा से कोई सुपर नेचुरल पावर मिले तो बताओ। देखो, प्रकृति को ये पहले से पता होता है कि कौन सा इंसान कैसा है। तो अगर ये प्रकृति एक अलौकिक शक्ति एक ऐसे इंसान को दे दे जिसका अपने माइंड पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है तो वो अपने पावर को कैसे कंट्रोल करेगा, ये बताओ। वो तो इस पावर को मिसयूज ही करेगा ना और लोगों को चोट ही पहुंचाएगा। दैट्स व्हाई अगर आपको कोई सुपर पावर या सिद्धियां चाहिए तो आपको सबसे पहले अपने माइंड पे पूरा कंट्रोल पाना होगा। इसके अलावा रूट चक्रा के एक्टिवेट होने के बाद आपकी कंसंट्रेशन पावर बाकी सभी लोगों से 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। और कंसंट्रेशन पावर हाई होने से आप कोई भी चीज बाकी लोगों के कंपैरिजन में बहुत जल्दी सीख जाओगे, चाहे वो डांस हो, गिटार हो या कोई नई भाषा सीखनी हो। अगर ये चीजें सीखने में किसी नॉर्मल इंसान को 1 महीना लगता है तो आप ये चीजें सिर्फ 1 या 2 दिन में ही सीख जाओगे। तो आइए अब जानते हैं कि चक्र मेडिटेशन से अपने रूट चक्रा को कैसे बैलेंस या फिर एक्टिवेट करें। देखो, चक्रा मेडिटेशन करने का सबसे बेहतर तरीका है मेडिटेशन वाली पोज में बैठ जाइए और अपने रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल ही सीधा रखें, ना ही उसे ज्यादा टाइट करें और ना ही ज्यादा लूज करें। अपने शरीर और दिमाग को आराम देने के लिए कुछ गहरी सांसें लें और मुंह से धीरे धीरे सांस को छोड़ें। ये आपके तंत्रिका तंत्र को शांत करने और ध्यान के लिए तैयार होने में मदद भी करता है। फिर अपने मूलाधार चक्र यानी रूट चक्रा पे ध्यान केंद्रित करें। फिर लम मंत्र का उच्चारण करें ऐसे, लम। इसके साथ ही आपको ज्यादा से ज्यादा नेचुरल रेड फूड्स जैसे रेड एप्पल्स, स्ट्रॉबेरीज, चेरीज, वाटरमेलन, ये सब खाना शुरू करना है। और कोशिश करना है कि आप ज्यादातर समय लाल कपड़े ही पहने। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो रूट चक्रा है वो रेड कलर का होता है, तो रेड फूड्स या वेजिटेबल खाने से या रेड कलर के कपड़े पहनने से ये और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इसके साथ ही आप नेचर के साथ ज्यादा समय बिताएं, क्योंकि नेचर हमारा बेस्ट हीलर है। इसके चक्र के जो 5 एलिमेंट्स हैं वो अर्थ एलिमेंट्स हैं। आप जितना ज्यादा नेचर के करीब रहेंगे उतना फास्ट रूट चक्रा आपका बैलेंस होने लगेगा। इस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता, आनंद का भाव जागृत हो जाता है, काम वासना पे कंट्रोल आने लग जाता है और अंदर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होने लगता है। और धीरे धीरे नेचर से आपको वो सब मिलने लगता है जो शायद आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये तो मैंने सिर्फ आपको मूलाधार चक्र के बैलेंस के बारे में बताया। क्या होगा अगर आपके 7 चक्र एक्टिवेट हो जाएं? ये जानने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, क्योंकि बाकी चक्रा के एक्टिवेशन के बारे में
इस वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये वीडियो लगभग एक घंटे की हो जाती। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि स्वादिष्ठान मणिपूरक अनाहत विशुद्ध और सहस्त्रार चक्र को कैसे बैलेंस करें और इनसे क्या शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना। जय श्री राम।